तो सामने के मकान देख सकते हैं आप, ये जो तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे जल रही है खतरवे की आग, जिसे कि सेकना बहुत। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन पार्क आज बच्चों से गुलजार है, लेकिन तो ये देखिए बचपन हर चीज से बेफिक्र। यहाँ पे दिखाई दे रही है क्यूट सी बच्ची यानी कि डोना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, नैनीताल से एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज है संडे का दिन, डेट है आज 17 सितंबर। तो आज हमारा है पहाड़ का लोक पर्व जिसका नाम है खतड़वा। तो खतड़वे के दिन से माना जाता है कि पहाड़ों में ठंड शुरू हो जाती है, यानी कि ये ठंडा जो शरद ऋतु है उसका आगमन है। तो आज के दिन पुतले बनाए जाते हैं खतड़वे के, और शाम के टाइम पे यानी कि सूर्यास्त के बाद उसको जलाया जाता है, और प्रसाद के रूप में ककड़ी यानी कि जो खीरा होता है, पहाड़ में लोग उसे ककड़ी बोलते हैं, तो ककड़ी और घर में जो पिसा हुआ नमक होता है उसको लगा के दिया जाता है, और ककड़ी को प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। तो इस तरह से हमारा खतड़वा का पर्व मनाया जाता है ठंड की शुरुआत में। तो बड़ा ही मजा आता है, और कहते हैं कि खतड़वे की आग जरूर सेकनी चाहिए और उस आग को नांगना भी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो शाम को शायद खतड़वा मार्केट में अगर जलेगा तो आपको जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से वो मनाया जाता है। काफी जगह पे, अलग अलग जगह पे खतड़वा बनाया जाता है एक राक्षस टाइप का, और फिर उसको जलाया जाता है, तो इस तरह का कुछ होता है। तो फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो नैनीताल में बारिश फिर से लौट आई है। तो बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, सुबह से बारिश थी, अभी जाके थोड़ी थोड़ी सी रुकी है। तो चलिए मौसम दिखाती हूँ पहले आपको। तो ये है बारिश के बाद का नज़ारा अभी का मेरे घर से, और ये देखिए दिन का भी लगभग बजा है 2, तो लगभग नहीं एग्जैक्ट 2 बजा है। और देखिए इस तरह का कुछ मौसम है, बारिश अभी रुक गई है तो लोग बोटिंग करने निकल पड़े हैं। बड़ा ही मस्त सा मौसम है, हवा चल रही है बड़ी प्यारी सी, और हल्की हल्की सी ठंड भी हो रही है। तो आज से क्योंकि ठंडा शुरू हो जाता है तो देखते हैं कितनी ठंड होती है। फिलहाल अभी देखिए इधर की तरफ काले काले बादल हैं, और बड़ा ही सुंदर सा हरियाली भरा मौसम है। तो चलिए हम भी चलते हैं इस मौसम को एंजॉय करने। तो फ्रेंड्स, ये वाला एरिया है जहाँ पे चल रहा है ध्वस्तीकरण का काम। सामने आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ और पुलिस के वाहन। तो यहाँ पे लगभग 36 मकान पहले इन्होंने चिन्हित किए थे, तो जिनकी संख्या अभी थोड़ी सी और बढ़ा दी है ऐसा सुनने में आया है। तो वो सब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की ज़मीन है इसलिए उनको खाली कराया जा रहा है। तो यहाँ पे सब लोग बड़े ही परेशान हैरान से घूम रहे हैं। वैसे तो लोगों ने खुद ही ध्वस्त कर दिए अपने मकान जो कि चिन्हित हो चुके थे, क्योंकि उनको पहले नोटिस मिल चुका था, काफ़ी 1-2 महीने पहले लोगों को नोटिस मिल चुका था। तो इस वजह से कुछ लोगों ने खुद ही खाली कर दिए, लेकिन बड़े परेशान यहाँ पर लोग हैं। देखिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आता है लोगों को, तो बड़ी दिक्कत चल रही है। तो आगे देख सकते हैं आप, बहुत ही भीड़ हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रशासन के और पुलिसकर्मी हैं वहाँ पे लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या ध्वस्तीकरण चल रहा है, कैसा हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो सामने के मकान देख सकते हैं आप, ये जो तोड़ दिए हैं, काफ़ी मेहनत से लोगों ने बनाए होंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीगली ये ज़मीन जो है वो हॉस्पिटल की है, तो यहाँ पे खाली करना इनको ज़रूरी है। तो इस तरह का कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, दिलावर जी की लाइंस हैं कुछ जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो वो है अब ज़मीन बिछा लो कि आसमां ओढ़ लो, इन गरीबों को पूछने वाला अब कोई नहीं है। इस तरह की कुछ लाइंस दिलावर जी ने बोली हैं, और बड़ी सटीक बैठती है यहाँ पे, क्योंकि वाकई में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, रजिस्ट्री इनकी हो चुकी है मकानों की, और दाखिल खारिज तक इन्होंने करवाया है। उसके अलावा सारे टैक्स ये लोग जमा करते हैं, उसके बावजूद अब जाके ये लैंड जो है वो हॉस्पिटल की निकली है। हालाँकि उनके पास भी पेपर्स पूरे नहीं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल की लैंड है। अब इनको जो हटाया जा रहा है उनके लिए तो ये बड़ा ही दुखद है, क्योंकि काफ़ी सालों से ये लोग यहाँ बस चुके हैं, अच्छे अच्छे मकान इन्होंने पूरी जमा पूंजी अपनी लगा दी है यहाँ पे। तो ये बड़ा ही दुखद है इनके पार्ट में। तो वहाँ से मैं नीचे तो आ गई हूँ, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा मन है मेरा भी वहाँ की स्थिति देख के, लेकिन जो हॉस्पिटल की जगह है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। इन लोगों को नोटिस बहुत पहले दे दिए गए थे, तो लोगों ने खुद ही वो जगह खाली कर दी है।
तो उसके लिए अब क्या ही कहें वाली स्थिति है, क्योंकि सरकार और प्रशासन का मामला है तो उसमें कुछ टिप्पणी देना या बोलना ठीक भी नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच चल रहा है और मैच की इस तरह की कुछ तैयारियाँ, मेले की कुछ इस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं। वहाँ पे देख सकते हैं दुकानें वुकानें सब लग गई हैं। तो पार्ट है ये भी दुनिया का, कहीं पे अच्छा कहीं पे बुरा। तो जिन लोगों के घर टूट रहे हैं उनके लिए तो दुखद स्थिति है ही, उसके लिए तो हम सबको बुरा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मेले की ज़बरदस्त तैयारियाँ, तो सब दुकानें वुकानें लगने लगी हैं, बच्चों के मैच चल रहे हैं तो बच्चे मैच भी देख रहे हैं। तो हर जगह चर्चा का विषय यही है कि किस तरह से मकानों का ध्वस्तीकरण हो रहा है। और फिलहाल उसी के बीच में यहाँ पर टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे। वैसे संडे का दिन है, संडे के हिसाब से उतना ज़्यादा टूरिज्म नहीं है जितना कि एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से लोग कम ही आते हैं पहाड़ों की तरफ। बारिश में थोड़ा सा लोग डरते भी हैं आने में। और अभी फ़िलहाल बोट्स बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, तो देखिए बोटिंग लोग पूछने लगे, भैया लोकल हैं यार, तो यहाँ पे बोटिंग वाले पूछने आ गए हैं। हवा चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त, तो चलिए थोड़ा सा आपको लेक दिखा के लाती हूँ। तो यहाँ पे है भीड़ भाड़ और काफ़ी सारे टूरिस्ट, ये देखिए इधर तो जगह भी नहीं हो रही है। वैसे तो ज़्यादा टूरिस्ट दिन के टाइम में यहाँ पे ही मिलते हैं, क्योंकि बोट स्टैंड है और बोट में काफ़ी लोग जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए नैनीताल का नज़ारा, हवा चल रही है ज़बरदस्त वाली। यहाँ पे मिलते हैं बड़े सुंदर सुंदर से परिधान, जिनको पहन के आप लोग फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं कुछ इस तरह की। देखिए पीछे बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया आता है, तो यहाँ पे आप आके इन लोगों से फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो भैया क्या चार्जेस हैं आपकी फ़ोटो के? 150 का एक फ़ोटो। 150 का एक फ़ोटो और ड्रेस का उसी में इंक्लूड होगा। अच्छा अच्छा, तो ड्रेस के साथ 150 है। देखिए और ये इस तरह की बास्केट्स हैं जिसको पकड़ के आप बढ़िया सा पोज बना सकते हैं और फ़ोटो खींच सकते हैं। तो काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन पार्क आज बच्चों से गुलजार है, लेकिन ये बच्चे गए कैसे हैं ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि बाहर गेट तो बंद है, तो बच्चे कूद कूद के ही गए होंगे, जो कि थोड़ा सा रिस्की तो है ही। तो चलिए आज थोड़ा सा यहाँ से नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे है द फेमस चाय सुट्टा बार नैनीताल का, और यहाँ पे मिलती है बढ़िया बढ़िया अलग अलग फ्लेवर्स की चाय। और उसी के जस्ट बगल में है कैपिटल सिनेमा, जो कि बड़ा पुराना सिनेमा हॉल है नैनीताल का, लेकिन अभी थोड़ा सा रेनोवेट हो गया है तो अच्छा सा ये बना दिया गया है। और बस उसी के बगल में है यहाँ पर टिकट काउंटर, और उसके बगल में है चाय सुट्टा बार का काउंटर, तो आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की चाय। और जवान पिक्चर लगी है देखिए। तो यहाँ पे जो बंदा बैठा है ये बनाता है स्केचेस बड़े अच्छे, तो बढ़िया बढ़िया से स्केचिंग करके आपके पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और इस जगह पे मैं बड़े दिनों बाद आई हूँ, तो यहाँ पे जब हम छोटे थे तो यहाँ पे आते थे स्केटिंग करने के लिए, स्केटिंग करते थे। और अभी यहाँ पे चल रहा है ताइक्वांडो का प्रतियोगिता बच्चों की, तो फिलहाल शायद अभी लंच ब्रेक हो गया है। तो इस साइड वाला एरिया बंद है, क्योंकि यहाँ पे जो दीवार थी वो गिर गई थी, अभी उसकी रिपेयरिंग चल रही है, तो अभी बंद ही है। सामने आप देख सकते हैं ये एरिया भी बड़ा ही ख़तरनाक सा हो रहा है, गिरने वाला टाइप का, ये देखिए। तो यहाँ पे जाना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं कई महीनों से मुझे लगता है यहाँ पर नहीं आई हूँ इस साइड। हालाँकि ये जगह बड़ी ही अच्छी लगती थी, हम यहाँ पर काफ़ी बैठा करते थे पहले, लेकिन अभी बहुत टाइम से मैं नहीं आई हूँ यहाँ पे। याद है मुझे बचपन में हम लोग स्केटिंग किया करते थे रिंक हॉल में, तो ये जूमलैंड जो है इसे रिंक हॉल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्केटिंग करने आया करते थे बचपन में, तो काफ़ी यादें हैं हमारी यहाँ से जुड़ी हुई। और अभी यहाँ पे थोड़ा फूड काउंटर्स भी खुल गए हैं, और बच्चों के चल रहे हैं मैच ताइक्वांडो के। तो ये देखिए बचपन हर चीज़ से बेफिक्र, ऐसे कीचड़ में ये लोग झूला झूल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होगा इनको।
तो इस जगह पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि शायद दुकानों की नीलामी हो रही होगी, क्योंकि ये दुकानों की नीलामी होती है, उसके बाद ये दुकानें अलॉट होती हैं। यहाँ पे इस तरह का कुछ व्यवस्था है, तो हो सकता है शायद आज नीलामी का दिन हो, तभी इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। तो मार्केट साइड में मैं आ गई थी और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। सामने मेले की तैयारियाँ भी दिखाई दे रही हैं ज़ोर शोर से, क्योंकि मेले को अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, बस दो चार दिन में यहाँ पे शुरू हो जाएगा मेला। और मेले के रिचुअल्स जितने भी होते हैं वो 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। यहाँ पे दिखाई दे रही है क्यूट सी बच्ची, यानी कि डोना, ये देखिए वो खेल में थोड़ा व्यस्त है तो देखना नहीं चाह रही शायद। और साथ में है उनके पिताजी बोबो UK04, जो कि इनके चैनल का नाम है और ये अक्सर भूल जाते हैं। तो ये आ चुके हैं बाहर की तरफ, ये देखिए 50 तोले के साथ आज बड़े दिनों बाद दिखाई दिया, तो थोड़ा अपना एक्शन कर दो वाला, 50 तोले वाला ये रहा। तो वो देखिए वहाँ डोना इतनी बिजी है कि वो देख भी नहीं रही है इस तरफ, खेलने पे लगी है। हेलो डोना, डोना हाय बोलो, डोना हेलो गाइस बोलो। ये देखिए बच्चे नाराज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके पास जाके आती हूँ अगर नाराज ना हो तो। तो ये देखिए क्यूट सी बच्ची यहाँ पे, प्यारी सी, हेलो गाइस कह दो। ये देखिए ये क्या खेल रही है, पता नहीं कुछ उधेड़ बुन में लगी है, छोटी सी अटैची लेके। डोना क्या खेल रहा है बताओ, क्या कर रही हो आप, क्या कर रही हो? अच्छा हेलो बोल दो लोगों से, सबसे बोलो हेलो गाइस, बोलो बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। कैसे बोलते हैं देखो, आप अपने चैनल में बोलते हो हेलो गाइस, बोलो बोल दो, बोल दो। नो नो, ये देखिए ये अपने चैनल पे बोलती है, यानी कि बोबो UK04 पे और यहाँ पे बिल्कुल बोलना नहीं चाह रही है ना। तो बाय बाय तो बोल दो। अच्छा बाय कर दो फिर, बाय बाय बोल दो, बाय, बच्चों से बाय जल्दी करवा लो। यहाँ पे चल रहा है बच्चों का खतरवा। तो शाम के टाइम बाजार तक मैं आ चुकी हूँ, देखिए यहाँ पे चल रहा है खतरवा। तो थोड़ा सा लेट पहुँचने में हो गई हूँ मैं, काफ़ी बड़ा सा आकृति बनाते हैं और फिर उसको जलाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खतरवा जलता हुआ। दा नमस्कार। तो देखिए साग को सेकना बहुत ज़रूरी होता है, और इधर भी चल रहा है राम सेवक सभा का, तो चलिए यहाँ भी चलते हैं। तो यहाँ पे जल रही है खतड़वे की आग, जिसे कि सेकना बहुत ज़रूरी होता है। और आज से कहते हैं कि जाड़े शुरू हो जाते हैं, तो जाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। तो आग सेकते हैं ठंडे ठंडे की, तो बड़ी मस्त सी आग लग रही है, सेकने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पर है वर्मा व्यू से रोहित वर्मा, जो कि खतड़वे की आग सेकने आए हैं, क्योंकि ये जरूरी होती है। तो रोहित आप क्या कहना चाहते हैं? तो आज खतड़वा है और आज के दिन से कहते हैं पहाड़ों में ठंड की शुरुआत हो जाती है। हाँ। और ये खतड़वे की आग है ना, वो सेकनी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी होती है, जिससे कहते हैं कि ठंडा नहीं लगेगा आपको, जाड़े भर बिल्कुल आनंद में रहोगे। हाँ कहते तो ऐसा है। तो ये देखिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं आग सेकने के लिए। हमारे नेपाल से देखिए दूर देश के भाई बंधु भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग लेट हो चुके हैं, तो ये हैं राम सेवक सभा के सदस्य, वो खुद लेट आए हैं। बिल्लू खतड़वा कहते हैं और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। तो आग बढ़िया बढ़िया आग जल रही है, देखिए हम भी आग सेकते हैं ताकि जाड़ों में हमें ठंड ना लगे। क्यों रोहित, बिल्कुल बर्फ में जाना है? हाँ भी बर्फ इस बार तो नहीं है, होपिंग हो जाए बर्फ। ओके तो देखिए खतड़वे की आग सेकने के बाद मैं आ चुकी हूँ खड़ी बाजार की मार्केट में, और अब करने का समय आ गया है वीडियो एंड, क्योंकि सुबह से दिन से मैं आपको दिखा रही हूँ नैनीताल की अलग अलग गतिविधियाँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आज का दिन रहा है हमारा, और आज से वैसे भी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो आज सब लोग देख सकते हैं आप स्वेटर जैकेट्स में दिखाई दे रहे हैं, एक भाई साहब सामने टी शर्ट में भी आ रहे हैं वैसे, बट जो यहाँ के लोकल्स हैं वो आपको स्वेटर जैकेट ऐसे ही दिखाई देंगे। और ठंडा क्योंकि आज से शुरू हो चुका है, तो चलिए फिर आज का वीडियो एंड करने का समय आ चुका है। तो चलिए फिर करते हैं आज के वीडियो को एंड, और कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।